गाइस हमने गौरव भाई से भी मिल लिया है। अरे हांगकांग में कोई इंडियन दिखा नहीं, ये कैसे दिखे? वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो गाइज आज का क्या सीन है, आज अपना डे टू है एंड आज हम जा रहे हैं डिज्नीलैंड। सो गाइज आउटफिट कैसा लगा, हुडी बताओ, बस ऐसी लग रही है, बाकी कैसे मुझे जानना भी नहीं है। आपको आज के मैं जूते दिखाता हूँ, सबसे जॉर्डन वाले है और अभी हम लिफ्ट की वेट कर रहे हैं बस, और नीचे जाएंगे, अपनी कैब खड़ी है बस, फिर निकल। कैब इतना वेट क्यों, कैब क्या बोल रहा है, लिफ्ट इतना वेट क्यों करा रही है, कुछ समझ नहीं। कमेंट करके बताओ कि गॉगल सूट करिए कि नहीं करिए। यहाँ पे पागल चाइनीज लोग को देख देख कर, पता नहीं कैसे लोग को देख देख कर भाई मैं डर जाता हूँ ये लोग से भाई। और फिलहाल यहाँ पे खाना भी कुछ नहीं मिलता, हम आज ब्रेकफास्ट करके आए तो ब्रेकफास्ट में भी पता नहीं क्या था, कुछ पता नहीं, लू 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 पता नहीं क्या नाम लिखा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और हम लोग बस बस ब्रेड बटर पे जिए आज, ब्रेड बटर भाई साथ ही। लिफ्ट में एंटर करते हैं तो मेरी मम्मी दिख गई, पता नहीं ऊपर से आ रही थी, और आपको मैं लिफ्ट दिखा रहा हूँ। ये आए चीनी चपाटे ये लोग, हो या ना हो अपने होटल की एंट्रेंस तो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड है, बहुत ग्रैंड है। बस अपनी गाड़ी है, कैब खड़ी है और हम निकलते हैं। आज एक तो टेस्ला हो गई, लैम्बो हो गई, और कौन सी पोर्श, यहाँ पे आम सी बात है भाई, हर गाड़ी आपको वही दिखेगी। अभी देखो मर्सिडीज क्या गाड़ी दिखाता हूँ, अंदर खड़ी है सारी। तो अभी डिज्नीलैंड के लिए निकल गए थे, मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और आप लोग भी मजे करो, जाके सीधा वापस मिलते हैं। और जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग के लिए ब्रेकफास्ट में तो कुछ नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग एक पाकिस्तानी शॉप में चाय पीने जा रहे थे एंड चाय पी के दिखा दे क्या। तो यस गाइज हम अभी बस एंटर करने वाले डिज्नीलैंड, आपको थोड़ा व्यू दिखा दूँ मैं यहाँ से, मतलब अच्छा दिख रहा है। गाड़ियाँ देखो बस आप लोग, मैं तो रोलर कोस्टर वगैरह के लिए तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बट ये लोग बहुत डर है भाई, इतना छोटा है, इतना बड़ा है तू फिर भी एक्साइटेड सर, फिर भी एक ही बार लिया बोलते है, मजा बहुत आता है यार। अब देखना मैं बोल रहा हूँ ये मेरे साथ बैठे, साथ में बिठाऊंगा ऐसे और राइड करूंगा, और अपने पापा तो पूरे ही रोलर कोस्टर लोगे, बिल्कुल लेंगे, पक्का डरोगे तो नहीं, बहुत लिए मैं बोलूंगा, बहुत लिए। पापा तो लेते ही है हमेशा, पापा का तो रोज। व्हाट अबाउट यू, मम्मी तो बहुत डरती है पता नहीं क्यों। गाइस बहुत एक्साइटेड है हम, बट एक एक प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे, कम्युनिकेट करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है यहाँ के लोगों को, साला इंग्लिश नहीं आती, हिंदी तो छोड़ ही दो, और इनकी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती, तो कम्युनिकेशन इज बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे। आई होप सो कि ज़्यादा रश ज़्यादा भीड़ ना आई हो राइड्स के लिए, बस एक्साइटमेंट तो बहुत है। गाइज हम एंटर करने वाले हैं, आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो गाइज हांगकांग डिज्नीलैंड, ये अपना मस्त वाला फोटो सेशन तो हो चुका है। एंड ये मेरे पीछे क्या है, डिज्नीलैंड, बस अभी अंदर जाते हैं और आपको भी फन कराते आइए। हमें फ्लाइंग बीच दिख गया है हांगकांग में, अब मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड, बस आ रहा होगा इधर। गाइस फोटो के तो उससे मना किया कि अभी दो पाँच मिनट में आएगा, बट देखते क्या पता क्या चाल है। तेरा गौरव सर, गाइस हमने गौरव सर भाई से भी मिल लिया है बहुत ही पोलाइट है, अच्छा है, टाइम पे फोटो ले ली, वरना हम जाने वाले थे क्योंकि इनके टास्क चल रहे थे, ये वीडियो बना रहे थे बहुत। अरे हांगकांग में कोई इंडियन दिखा नहीं, ये कैसे दिखे, बहुत सही है, लाइक भी दिखे, सही है सही, मजा आएगा। यस गाइस एंट्री हमें मिल चुकी है एंड अभी बस अभी दिखाता मैं आपको। तो गाइस राइड इतनी ज्यादा है इधर, लोग यही बोल रहे हैं पूरा दिन का, हम लोग वैसे 9:30 तक है, अभी 12 बजे बोलते हैं वो भी काफी नहीं है, देखते हैं बहुत मजा आएगा। एंट्री वापस एक बार पता नहीं क्या गया, बट बस यहाँ पे एंट्री लेके सीधा राइट। गाइस अब एंटर हो चुके हैं और ये देखो एंट्री में ऐसा लग रहा है कि अपना स्वागत हो गया प्रॉपर वाला,
जोर मेन अपना इकोनिक यस गाइस फाइनली अंदर आके हमें एसी मिला एंड यहाँ पे हम 5 मिनट आगे सीधे राइड चले जाएंगे। बहुत गर्मी लग रही थी, हुडी पहन के आया हमने। क्यों ये सारी दुकान है यहाँ पे जो यहाँ से यू वांट टू अगर कुछ बाय समथिंग जो यहाँ की स्पेशलिटी है सो यहाँ से आप खरीद सकते हो। हमें तो ज्यादा खरीदना नहीं है इसलिए हम खाली राइड पे फोकस करेंगे। यस ओह माय गॉड गाइस क्या दिख रहा है, ये कड़क है कड़क। इस टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत धूप है, 43 डिग्री भाई, कड़क धूप है। क्यों हुडी पहन रहा मैं आज पछता गाइस। ये कैसल क्या ही बढ़िया दिख रहा है यार, अमेजिंग। हम अंदर ही जा रहे, एक स्पॉट दिखा फोटो खींचा रहे, क्या चल क्या रहा है मैं खुद समझ आ रहा। मैं बहुत थक गया है यार, लग रहा है अभी 2 मिनट और पानी भी नहीं मिलाया तो कुछ नहीं ना, मैं बेहोश रहूँगा। अभी हम एडवेंचर लैंड घुस चुके हैं और अभी जो कड़क राइड ही होगी ना अंदर मे भी मुश्किल दिखते एक राइड है शिप वगैरह की, बस एडवेंचर लैंड में अंदर बस वही देख के आते हैं। ये शायद अभी हम एंट्री करने वाले हैं इसमें, मजे आने वाले हैं मजे। यहाँ पे हर चाइनीज के हाथ में फैन है। गाइस अपनी बोट आ चुकी है, हम लोग सबसे पहले खड़े हैं और अब हम घुसने वाले हैं। यस चलो गाइस हम बैठ चुके हैं एंड यहाँ पे सारे चीनी आ गए हैं as usual. देखो गाइस पानी से खेल रहे हैं उसकी फैमिली। अरे देखो अभी ये देखा गाइस, यहाँ पे एलिफेंट पानी पी रहे बता रहे, एक चीज बता रहे कि एलिफेंट क्या कर Hello elephant. Rhinos. Rhino तो नाक से पानी फेंक रहे हैं हमारे ऊपर, क्या चल रहा है ये, पानी का अटैक कर रहे हैं यार, क्या चल रहा है ये। जाके लग रहा है ये ट्रिप सक्सेसफुल हुई है, मजा तो बहुत आ रहा है। आग लग गई यार, फाइनली जाके खत्म हो गई अपनी राइड। मजा बहुत आया बट ये सब फ्रिक्शन था, एकदम रियल लग रहा था, सच बहुत फन था ये, आके सच बोल रहा है ट्रिप सक्सेसफुल हो गई है। अब हम किधर जा रहे हैं डैड, आगे देखते हैं ना, चलो आगे किधर देखते हैं आगे क्या है, देखते हैं आगे क्या है, बुला बजाते हैं। कितना कितना ही ब्यूटीफुल है, कितना ही ब्यूटीफुल है, बहुत मजा आ रहा है। गाइज अभी हम फैंटेसी लैंड मतलब की राइड्स के लिए आ गए, इस चीज के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी 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 एक्साइटेड। अब देखते हैं बस, यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ है जो मेन होनी ही चाहिए, आप देख लो। अरे एक इंडियन नहीं दिखा बट अपना फ्लाइंग बीच दिख गया बस। यहाँ पे अपनी राइड शुरू हो जाती है एंड मजा बहुत आने वाला है इधर। क्यों मन कर रहा है बच्चों की राइड पे जाने का मन कर रहा है बहुत, हम पता नहीं क्यों जा रहे हैं इधर। अपनी मम्मी तो इसमें भी डर गई, वो जाके बैठ गई। हेलो गाइस हमारी पहली राइड आ चुकी है एंड इनसे मिलिए, ये अभी इनकी वीडियो आ रही है फ्लाइंग बीस्ट, वॉच इट, फ्लाइंग बीस्ट सर के साथ है, बीस्ट सर के साथ है एंड अभी हमें चैलेंज में ज्यादा बता नहीं सकते चैलेंज के बारे में, वो नहीं बताएंगे, आप वीडियो देखेंगे तो आपको मजा आएगा। ऐसे मेरे लिए भी सरप्राइज है, मेरे को भी नहीं बताया, इनके लिए भी सरप्राइज है। तो अब एंजॉय करते हैं आपको भी दिखाते हैं, प्लीज फॉलो दिस बड़ी यार, बड़े अच्छा आदमी है, मेरे को अंदर लाके। सो यस गाइस क्या हुआ अभी, फ्लाइंग बीच, फ्लाइंग बीच जो चैनल है ना, तो गौरव भैया का क्या था, उनका ना एक टास्क चल रहा था, मतलब काफी लोग थे तो उनमें से एक बंदा आया, उनका उनका टास्क था कि समथिंग समथिंग, वो मैं अभी बताऊंगा, इनकी वीडियो देख लेना। तो
मजा तो बहुत आ रहा है उनके ब्लॉग में भी आने का। अभी हम जा रहे हैं अपना एडवेंचर लैंड एंड उधर हम रोलर कोस्टर एंड वो सब करेंगे। पता नहीं अब तक क्यों डर रहा है रोलर कोस्टर अभी मेरे को बोला कि मैं लू की ले लू। यहाँ पे एक पानी की बोतल जो 500 मिलीलीटर की है, ml की है, क्या प्राइस होगा इधर गेस करना। अकॉर्डिंग टू INR इट्स 400 rupees, 400 rupees। महंगी बहुत है, महंगी बहुत है, डाइजेस्ट नहीं होती। यहाँ पे होती है अभी 4, देखो एक और गई। लग रहा है बहुत मजा आने वाला है एंड अभी जाते हैं एंड आपको भी दिखाते हैं। मेरे को लग रहा है कि रश तो तगड़ा होने वाला है बट फिर भी हम जा तो रहे हैं और राइड बहुत खतरनाक है। ऊपर नीचे ये तो माउंटेन से सीधा उधर नीचे उतरेगा, खतरनाक है भाई, डर जाऊंगा। शायद पुलिस भी ना ले, मतलब मेरा भाई भी ना ही ले, बिकॉज वो तो बहुत डर था। उसने आज तक अपने नॉर्मल मॉल की राइड दी थी, वही क्या लेगा। लंबी है गाइस, कुछ भी हो जाए। लगता है 1 घंटे से ज़्यादा लगने वाला है। देखो पहले यहाँ से जाएंगे, वहाँ जाएंगे, क्या बोलूँ, बहुत टाइम है। इतनी लंबी लाइन है, क्या करें ना, कितना 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। अभी ये पूरी क्रॉस कर दी, अब इतनी लंबी क्रॉस करने के बाद भी अभी ये बहुत लंबी लाइन, बहुत ज़्यादा। यस गाइस फाइनली आर एंट्री। अभी देखो आपको दिखाता हूँ, देखो गाइस, यस शुरू हो गया गाइस। क्या सीन है आज का, अपना रोलर कोस्टर 2 मिनट में हो गया, एक ही राउंड था। मतलब मजा बहुत आया बट इतना भी कुछ स्कैरी नहीं था जितना मैंने सोचा था। बारिश का बोल रहा इतना भी कुछ स्कैरी नहीं था, इससे अच्छा था अपना फरारी वर्ल्ड का था, अबू धाबी वाला। ओवरऑल इट वॉज फन एंड आई गेस वेटिंग इतनी देर तो नहीं होनी चाहिए इसके लिए, बट ठीक है। वैसे थक तो बहुत चुके हैं बट एक्सप्लोर तो करना ही है, मजा आया। इतना भी बुरा नहीं था बट वेटिंग फालतू बहुत ज्यादा होनी नहीं चाहिए इसके लिए तो खास।